बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ पे ख़ुसूसी नशरियात बाख़बर पाकिस्तान सीज़न 2। कराची के हालात आपके सामने हैं, पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, शाहराह फैसल के हालात आपके सामने हैं, सुपर हाईवे के हालात आपके सामने हैं। इलेक्शन के ख़िलाफ़ धांधली, जो एक इल्ज़ाम लगा है इलेक्शन कमीशन में कि धांधली की गई है, उसके खिलाफ लोग सड़कों पे आ चुके हैं, लेकिन देखते हैं होता क्या है। उधर हलफ़बदारी हो रही है, देखना यह है कि कौन बनेगा सदर पाकिस्तान और कौन होगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान। लेकिन मैं तो यही दुआ करूँगा परवरदिगार आलम से कि जो भी आए पाकिस्तान की खातिर आए, पाकिस्तानी आवाम की खातिर आए, भूख अफलाक की खातिर आए। ये जो पेट्रोल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, इसमें कमी करवाए। आटा, दाल, चीनी, चावल, घी, हाथ नहीं लग रहा खाने पीने की चीज़ों के। गोश्त के रेट इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि गरीब आदमी जो दिहाड़ी पेशा है वो गोश्त कैसे खरीदे। जितने का वो गोश्त खरीदेगा उतने में वो 3 दिन का खाना अपने घर पे बना सकता है। हालात इस कदर परेशानी के आलम में आ चुके हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि आने वाला वक्त कैसा होगा। लेकिन मैं परवरदिगार आलम से यही दुआ करूँगा, शब बारात करीब है, अमाल नामे चेंज होंगे, परवरदिगार से हमने दुआएं करनी हैं, खुसूसन पाकिस्तान के लिए दुआएं करनी हैं कि परवरदिगार आने वाली हुकूमत पाकिस्तानी आवाम के हक़ में हो, उसकी फेवर में हो। कारोबार की जहां तक बात होती है, जो बिल्डर्स की एक लाइन है, एक फील्ड है, वो कहां तक अपने बिज़नेस को लेकर जाएंगे, क्या हो रहा है उनकी फील्ड में, क्या बिज़नेस में फ़ायदा होगा या नुकसान की जानिब जाएंगे। लेकिन मैं यही दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम से कि जो जो बिज़नेसमैन हैं, जो कारोबारी लोग हैं, उनको तमाम फैसिलिटीज़ मुहैया की जाएँ, जो जो वो करना चाहते हैं उनको करने की इजाज़त दी जाए। आज भी हमारे दरमियान जिन शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। कराची शहर में एक नई दुनिया बसाने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी बैंक से आपका ताल्लुक़ है। मेरी मुराद है जनाब सैयद मोहम्मद रेहान, आप CEO हैं प्रॉपर्टी बैंक के। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। रेहान भाई कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है। और इनके साथ ही किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, सोशल वर्कर भी हैं और समाजियात से आपका बहुत ताल्लुक़ है। वो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो यहाँ ये मिसाल बिल्कुल सूट कर रही है। मेरी मुराद है मिसेज रेहान से। भाभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है। भाभी, कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, अगर इस बात की आप तायद करती हैं तो बताइए, ऐसा है यहाँ भी ऐसा है या कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ है? दोनों है, कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का हाथ है और कामयाब मर्द के पीछे भी औरत का हाथ है। ये कह सकते हैं कि आपको इन्होंने जिस तरह से कारोबार करने की इजाजत दे रखी है, जी बिल्कुल, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, आप इनके साथ कोऑपरेट करती हैं। रेहान भाई, प्रॉपर्टी की बात हो रही थी, जैसे कि हालात आप देख रहे हैं, आ चुकी है आवाम रोड के ऊपर, लेकिन नहीं पता चल रहा कि आगे क्या होने वाला है। मैं ये जानना चाहूँगा, जो आपकी फील्ड से वाबस्ता लोग हैं, यकीनन सी बात है कि आप एक नया शहर आबाद कर रहे हैं और ये शहर ऐसा है कि जहाँ इतनी कम कीमत, 19,60,000 की जो कम कीमत है, और इसमें भी आपने 3 लाख रुपये कम कर दिए और एक नया शहर आबाद होने जा रहा है, और वो शहर के जहाँ पर 80 गज़ का तैयार विला बंगला जो कि आप दे रहे हैं, और मैं देखना ये चाहता हूँ कि आप तमाम मामला को कैसे देख रहे हैं, हुकूमत क्या करेगी, कैसे आएगी, बनेगी नहीं बनेगी, आपकी फील्ड पे कितना असर होगा? नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकीनन सी बात है कि ये ऐसा मामला है कि कारोबारी शख्सियात परेशान होकर रह गए। नाज़रीन कराम, हम तो ये सोचते हैं कि जो लोग दिहाड़ी पेशा है वो अपने गुजर बसर कैसे करेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे बिल्डर्स हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो आवाम को देख के परेशान। रेहान भाई की आंखों के आंसू बता रहे हैं कि ये आवाम का किस कदर दर्द रख के बैठे हैं। रेहान भाई, हमें बताइए कि नाज़रीन को कि ये जो दर्द है आपके दिल में, जो आवाम के लिए आप करना चाहते हैं, यकीनन सी बात है मुश्किल सवाल नहीं था, लेकिन आपके लिए एक मुश्किल सवाल बन गया कि क्या होगा, कैसे हम आवाम का साथ देंगे, कैसे हुक्मरान आके आवाम की आवाज़ बनेंगे। मेरा सवाल दोबारा से वही है। इरशादी बारी ताला है,
इन्ना अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसहिम। अल्लाह पाक उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक आप खुद ना बदले। इब्रार भाई, आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके नाजरीन को प्रॉपर्टी बैंक की तरफ से, मेरी और मिसेज की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे मैंने कहा कि अल्लाह पाक उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद ना बदले। देखिए, हमें इस मुल्क को, कौम, ये पाकिस्तान हमें बहुत ही जद्दोजहद, बहुत कुर्बानी के साथ हमें अल्लाह पाक ने दिया, इसकी कदर कीमत हम लोग नहीं करते। इसको बदलने के लिए पॉलिटिशियंस को आगे आना होगा, ब्यूरोक्रेसी को, ब्यूरोक्रेट्स को आगे आना होगा, और जितने जो कौम है उनको आगे आना होगा, जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको आगे आना होगा, फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, क्योंकि मैं खुद 17-18 साल ओवरसीज़ पाकिस्तानी रह चुका हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को आगे आना होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को आप यूँ समझे कि उनका दिल धड़कता है पाकिस्तान के हर एक एक न्यूज़ पर। हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए एक अच्छा माहौल, एक साजगार माहौल मुहैया करना होगा, और स्टेबिलिटी लानी होगी पाकिस्तान के हालात में, पाकिस्तान की अपने पॉलिटिक्स में, ताकि वो अपने सारा सरमाया ओवरसीज़ और वो सारे इन्वेस्टमेंट यहाँ लेकर के आए, वो यहाँ पर आकर के तमाम चीज़ों को देखें, इन्वेस्ट करें। इस हवाले से देखिए, मैं और भी अपना कुछ कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान, मैं मोस्टली तकरीबन आधी कंट्रीज़ में घूम करके आया हूँ, वहाँ जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसमें, और हमारा कराची इज़ द मोस्ट बिगेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी इन दिस वर्ल्ड। अब इस वक्त कराची की 2.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। मैं रेहान भाई चाहूँगा कि यहाँ से आपकी बात को कंटिन्यू किया जाए, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का, क्योंकि आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि पाकिस्तान तमाम कंट्रीज़ में नंबर वन हुआ करता था, हमारी अफवाज पाकिस्तान नंबर वन हुआ करती थी, नहीं हुआ है और ऐसा है, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, मुश्किल वक्त है, दुआएं करनी है हमने। शब बारात की खसूसी नशरियात में भी दुआएं की जाएंगी, और उसमें रेहान भाई हमारे दरमियान होंगे, चीफ गेस्ट हैं इनकी मिसिस। और ये रेहान भाई, बात को कंटिन्यू करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान से दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, आप भी पाकिस्तान से बाहर रहे और कई कंट्री आपने पाकिस्तान के बाहर की घूमी है, आप क्या देखते हैं कि अब पाकिस्तानी कहाँ खड़े हैं, पाकिस्तानी बिजनेसमैन कहाँ खड़ा हुआ है? जी बिल्कुल इब्राहिम भाई, देखिए, मैं जब वापस पाकिस्तान आता था तो इसको, पाकिस्तान को और कराची को कंपेयर करता था दूसरी सिटीज़ के हवाले से। इसी हवाले से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान खसूसन कराची, जो पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देता है, इसको रिटर्न में मिलता ही क्या है, 2%, 2% में से 1% बहुत मुश्किल से लगाया जाता है। इसमें ऑलमोस्ट समझ ले कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है कराची में। इसमें यहाँ पर आप समझ लें कि जो छोटी से छोटी कंट्री का जो मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसमें अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन लाजमी मौजूद है। अभी इस वक्त कराची पाकिस्तान की, और कराची की ज़रूरत है कि कराची का जो ट्रैफिक, अभी भी मैं आते वक्त 1 घंटा ट्रैफिक में फंसा रहा हूँ। अच्छा, यस, यानी कि आपके घर से चैनल का जो रास्ता है, मेरे ख्याल से मोस्टली 25 या 20 मिनट का होगा, 15 मिनट का रास्ता, अगर ट्रैफिक ना हो, लेकिन आपको 1.5 घंटा लगा, 1.5 घंटा लगाने में। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को खसूसन कराची में अंडरग्राउंड ट्रेन सब स्टेशन का जाल बिछाना चाहिए, ताकि ऊपर के ट्रैफिक ख़त्म हो, लोग अपने काम, अपने बिजनेस पर जाएँ, और कम वक्त में और आसानी से करें। इसमें तकरीबन 8 से 10 जो अंडरग्राउंड ट्रेनें बिछानी चाहिए, उसमें एक लाइन 63 टाउन ज़रूर वो भेजें, जहाँ पर हमारा एवरग्रीन विला है, ताकि वहाँ पर और भी अपना सहूलियात और वो तमाम चीज़ें हों। और सेकंड, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी जो भी गवर्नमेंट आए वो पाकिस्तान खुसूसन कराची के लिए सीरियस हो, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए सीरियस हो, यहाँ पर अंडरग्राउंड ट्रेनें बिछाएँ, ताकि यहाँ पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी आए और लोगों को सस्ती और आसान सहूलत अपना फ्राहम की जाए। सेकंड ये कि यहाँ की जितनी भी जो अपना डेवलपमेंट फंड है वो रिलीज़ किया जाए, खुसूसन अपना कराची और तैसा टाउन के लिए, क्योंकि यहाँ पर तमाम डेवलपमेंट फंड जारी किया गया, बट यहाँ इशू नहीं किया गया।
वहाँ लेकर के आए, खुसूसन LERP में, ताकि वहाँ की जितनी भी अपना फैसिलिटीज़ हैं, जो भी डेवलपमेंट का काम रहता है, वो जल्द से जल्द करके तमाम आवाम वहाँ पर उसे मुस्तफीद हो मुस्तफीद सके। हो सके। बिल्कुल, पहले भी रेहान भाई आए थे, इन्होंने एक मैसेज किया था कि भाई जो कब्ज़ा माफिया है इनसे हमारी जान छुड़वाई जाए। तो K21 न्यूज़ पर इन्होंने ये मैसेज दिया था और सुनवाई हो गई फर्दन 1 महीने के अंदर। आज इन्होंने एक ऐलान और किया है हुकूमत वक्त से कि भाई इनकी जहाँ सोसाइटी बन रही है वहाँ तक ट्रेन को लेके जाया जाए। और नाज़रीन कराम, ट्रेनें तो बनती रहती हैं, खुदाई आपके सामने है किस तरह से कराची का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। अच्छा रेहान भाई, एक मामला और है, आप एक जगह को बनाया जाए जैसे कि लियाकताबाद से हम सदर तक का पहले एक लाइन को क्लियर किया जाए। यहाँ पर क्या होता है, शारा फैसल, ये नीपा से लेकर सदर तक पूरा इन्होंने खोद दिया, वहाँ से भी खोद दिया, इंसान कहाँ जाए चारों तरफ से फंसा दिया जाता है। मतलब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कैसे हो पाएगा ये? देखिए इब्राहिम भाई, हमारे यहाँ जो जितने भी रोड्स हैं, एक शाहरा फैसल है, जो मेन एक शारा है जो हमारी, जो मेन शाहरा, तीन चार हैं जो 60 साल से बनी हुई, अभी तक जब उस वक्त कराची की आबादी 10 लाख या 5 लाख थी, इस वक्त 2.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, और उसी तीन रोड के मेन रोड के ऊपर ही पूरा फ्लो जा रहा है, बिल्कुल तो ऐसा ज़ाहिर है ही है। ट्रैफिक तो जाम होना है। इसके लिए मस्ट अंडरग्राउंड ट्रेन बहुत ज़रूरी है। आने वाली जो भी गवर्नमेंट हो, मैं उनको तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो भी गवर्नमेंट आए, बट इस एडवांस मुबारकबाद दे रहे एडवांस हैं, एडवांस मुबारकबाद मुबारकबाद दे दी रेहान प्रॉपर्टी भाई बैंक की ने तरफ से और जो आपके भी है, चैनल लेकिन चैनल की पाकिस्तान तरफ की से सालमियत की बात भी, करें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो भी है लोगों के लिए काम करें। लोगों के लिए काम करे, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए काम बिल्कुल करे, ताकि ये सारी चीज़ें होती भी नज़र आए, तो इन्वेस्टमेंट भी आएगी पाकिस्तान में, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज भी इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे, इन्वेस्टर्स भी आएंगे, क्योंकि काम होता हुआ नज़र आए। एक ही जो 50-60 सालों से जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, अभी तक वही स्ट्रक्चर है। ऐसा ही है। रेहान भाई की गुफ्तगू आज बड़ी अहम है और बड़ी दिलचस्प है, बहुत सा दिल में इनके गुबार है वो जो निकालना चाहते हैं, जिसकी आपने मिसाल इनकी आंखों के आंसुओं से देखी। हमारी भाभी हमारे दरमियान मौजूद हैं। भाभी, फ़ख्र होता है हर बीवी को अपने शोहरों पे जब सक्सेसफुल लाइफ होती है आपकी और आप देखती हैं कि मेरी लाइफ बस इनफ है, सब कुछ दिया है, गाड़ी बंगला, बच्चे भी माशाल्लाह से आपके एक अलग नेचर के हैं, अलग तासुर है आपके बच्चों में, एक मोहब्बत भाईचारगी इनके भाइयों में होगी। और आपके साथ कैसे हैं ये, और कैसे ख्याल आया कि आपको भी एक छोटा सा बिजनेस करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, एक आइडियल हस्बैंड है माशाल्लाह से, हमेशा कॉपरेट किया है, कॉपरेटिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉपरेट, हद से ज़्यादा कॉपरेटिव। ये मेरे हस्बैंड गम दो ज़्यादा हैं अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं तो ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सब जितने भी हैं मैरिड और अनमैरिड उनको मेरे हस्बैंड जैसा ही शौहर दे, ये तो नहीं देना अल्हम्दुलिल्लाह ना करे, ये तो सिर्फ मेरे ये एक ही पीस है ये एक ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि ये इनका कहना ये है कि जितनी भी हमारी बहनें हैं उनको ऐसी नेचर, ऐसा हम ख्याल उन इन शोहर जैसा देना चाहिए, यानी कि बिल्कुल ये नहीं हो कि ये हो जाए, वरना भाभी तो यकीन कीजिए नाजिक राम, मैं अभी ऑफ कैमरा में बैठे हुए थे तो मैंने भाभी से पूछा, जब ये सवाल किया ना तो भाभी बड़ी फ्रेंकली मूड में कहती हैं, कह रही मैंने आपको पता है मैंने इनके मोबाइल में ट्रैकर लगा रखा है, पकड़ छोड़ती नहीं है ये, कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, इवन यहाँ तक कि नमाज जो मस्जिद जानी है ना, अगर किसी और मस्जिद में भी चले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो ये पूछती हैं कि आप आज वहाँ क्यों गए, जबकि घर के करीब थी, क्या वहाँ क्यों गए, तो ये ऐसा क्यों है भाभी, ऐसा क्यों ये है, मोहब्बत ये कौन सी मोहब्बत, ये तो बेचारे आपकी पकड़ में है। नहीं, ये मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने हस्बैंड पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ और मेरे बहुत मासूम और बहुत शरीफ मेरे मतलब शौहर है, जैसा आपने माशाल्लाह उनके जैसे माशाल्लाह उनके साथ आपने कर रखा है तो ट्रस्ट तो वो वो मेरा प्यार है कर आपने तो उनको पूरा जब अपने हैंडओवर किया हुआ है, तो कैसे, वो तो आपकी मानेंगे ना बेचारे, क्या करेंगे शोहर नहीं, बेचारे, ऐसी क्या कोई करते बात नहीं, हैं। आप बेशक इनसे पूछ लें, हम दोनों में बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग है माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारा प्यार है, मोहब्बत है। और मेरी केयर है कि मैं हर वक्त देखती हूँ मेरे हस्बैंड कहाँ हैं किधर हैं, अल्लाह के प्रोडक्ट में तो है अल्हम्दुलिल्लाह, बट मैं मेरी नज़रों के सामने रहना चाहिए। अच्छा, ये जो आपने एक कारोबार का सिलसिला जारी किया जिसे कपड़ों का कारोबार भी कहते हैं, अच्छा लोग समझते हैं कि छोटा मोटा कारोबार होता है, लेकिन ख्वातीन को बताइए कि क्या उनको करना चाहिए, सोशल एक्टिविटीज़ में ख्वातीन को पार्टिसिपेट करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है और आजकल के दौर में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी लेडीज़ इंटरेस्टेड हैं
एनी बिजनेस, कोई भी तरह का बिजनेस जो कि वो कर सकती हैं, बट मेरा शौक कपड़ों का है। अच्छा, ये फैशन डिजाइनिंग का जो शौक है, ये शौक है या आप शादी के बाद आपने सोचा कि मुझे कारोबार करना चाहिए? नहीं, मुझे शौक है। अच्छा, शौक को आपने बिजनेस बना लिया? शौक को, मुझे शौक है। और सोचती थी जब मैं अपनी कॉलेज लाइफ में थी, मुझे बहुत इंटरेस्ट था, और ये आए दिन नए नए ड्रेसेस वगैरह देखकर, और जो आपको पता है लेडीज के तो ख्वाहिश होती है अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, तो मुझे शौक था बहुत ज्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो शौक मेरा मेरे इसमें कन्वर्ट हो गया, जिसमें मेरे शौहर ने मेरा बहुत साथ दिया। अच्छा भाभी, ईद की आमद आमद है, मुस्तकबिल में कोई अच्छा सा ब्रांड आप लॉन्च करना चाह रही हैं? इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपने कपड़े पहने हैं, ये भी आपका अपना ब्रांड है? नहीं नहीं, वेरी ऑनेस्टली ये मेरा अपना ब्रांड नहीं, ये मैंने ब्रांड की पहने, ये भी ब्रांड है उसके पहने, जरीफ ब्रांड है उसके बने ही बने में। नाम ना ले, अपने ब्रांड का नाम लीजिए। अच्छा ठीक है, आपके ब्रांड का नाम क्या, नाजीन जानना चाहते हैं? इंशाल्लाह अदन, अदन के नाम से मैं जरूर करूंगी इंशाल्लाह। अदल, अदन, अदन, एडीएन, अदन, अदन, अदन के नाम से हमारी भाभी बहुत जल्द अपना एक ब्रांड लॉन्च करेंगी और उसकी प्रमोशन हम ही करेंगे इंशाल्लाह। K21 न्यूज़ की प्रमोशन करेगी, रमजान में आप उसको देखेंगे कि कैसा खूबसूरत इनका सिस्टम जो इन्होंने बना रखा है, अपने एक फैमिली इश्यूज के साथ साथ अपने शोर को भी लेके चल रही हैं और अपने ब्रांड को भी लेके चल रही हैं, और देखेंगे हम नाज़रीन कराम के कैसा होगा इनका ब्रांड। रेहान भाई, प्रॉपर्टी बैंक का ये खासा रहा है कि कम कीमत, अच्छा घर, अच्छी जगह। हमारे फ्लोर के लोग भी आपसे काफ़ी मुतासिर हैं, नाज़रीन तो आपसे मुतासिर हैं ही। तो डिस्काउंट का ऐलान तो आपने कर रखा है, 15 शाबान तक यानी कि कल तक की ये डिस्काउंट ऑफ़र है, यानी कि जो 19,60,000 का तैयार विला है, घर है, वो कल तक। नाज़रीन कराम जो अभी तक जिनको नहीं पता, अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, नंबर आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, कॉल कीजिए, अभी बुकिंग करवाइए। 3 लाख रुपए तक का भाभी के कहने पे रेहान भाई ने डिस्काउंट दे रखा है, जो कल तक के लिए है, जो महदूद मुद्दत है। अब तो काफ़ी लोग आ चुके हैं कि जो फ्रॉड भी करते हैं, एक एक प्लॉट पर डबलिंग चल रही होती है, एक घर को 4-4 लोग खरीद रहे होते हैं और फिर बाद में परेशानी का आलम होता है, ऐसा तो नहीं है? मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आपने तो, मैंने तो देखा आपका जाके विज़िट किया, तो हमारे नाज़रीन को बताइए, एक दफ़ा फिर बताइए कि लीज़ और क्या क्या चीज़ें आप उनको 19,60,000 रुपये में प्रोवाइड करके दे रहे हैं। जी बरार भाई, आपको तो कल लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने बताया, बिल्कुल मैं चाह रहा हूँ कि आज दोबारा से जो नाज़रीन, जो नए नाज़रीन हमें देख रहे हैं, एक तो हमारा एक नज़्म-ओ-लैन था कि लोगों की खिदमत की जाए, बिल्कुल, तो उसमें अल्लाह पाक ने ये लीज़ के डी लीज़ जगह हमें दे दी। इसमें पहले जब हम अपने क्लाइंट को देते थे तो वो वेरिफिकेशन के लिए फिर दर दर की ठोकरें खाते थे डिपार्टमेंट्स में, आपको पता है हमारे डिपार्टमेंट्स का, तो वो क्लाइंट हमारे परेशान ना हो उनके लिए हमने लीज उनके लिए हमने जो वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी पे अपने ऊपर ले ली। फिर उसके बाद हमारे जो क्लाइंट हैं उनको परेशानी आती थी लीज़ करवाने में, फिर वो भी जिम्मेदारी अपने अपने ऊपर ले ली। फिर उसके बाद जब ऑन द स्पॉट जाते थे प्लॉट के ऊपर, फिर वहाँ मैंने जैसे कहा बताया कि शरीफ शरीफ लोग आ जाते थे, तो फिर इस उसके लिए भी वो जिम्मेदारी प्रॉपर्टी बैंक ने ले ली। अच्छा, अब जो भी हम जिनको प्लॉट देते हैं या लीज विला देते हैं, हम तमाम जिम्मेदारियों के साथ 3 गारंटीज के साथ हम देते हैं। गारंटी नंबर 1, हमारे दिए हुए गवर्नमेंट के पेपर में और लैंड डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में एक सिंगल डॉट का फर्क होगा, वी आर रिस्पॉन्सिबल। गारंटी नंबर 2, लीज़ करवाने के बाद आपको बनवाना है, कोई परेशानी आ रही है हमें बताएं, हम बना करके हैंड ओवर करते और कर रहे हैं। गारंटी नंबर 3, आपको लेने के बाद किसी और प्लान में, विला में या किसी और चीज़ में चेंज करवाना है, विदाउट एनी डिडक्शन आप प्लान को चेंज करवा सकते हैं। इसके साथ मैं एक और आपके तवज्जो से नाज़रीन के लिए एक अपना इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी बैंक इस वक्त प्लॉट लीज विलाज और दरवेश मोबाइल मॉल की लॉन्चिंग कर चुकी है, और आपके तवज्जो से ये खुशखबरी देने जा रही है प्रॉपर्टी बैंक अपने नाज़रीन के लिए कि वहाँ पर अब फ्लैट्स के जाल बिछाने जा रहे हैं। तकरीबन 500 फ्लैट्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी बैंक 500 फ्लैट्स लॉन्च करने जा रही है। इस वक्त नॉर्थ कराची में फ़्लैट्स की कीमत है तकरीबन 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख। हम आपकी तवज्जो से आपके नाज़रीन के लिए वही 50% डिस्काउंट पर 50-55 लाख में वही फ्लैट हम देने जा अच्छा। रहे हैं जी, और विद इन 8-9 मंथ के अंदर उसका कब्जा, उसकी चाबी हम देने जा रहे हैं इंशाल्लाह। क्या बात, ये नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं आप जी, जिसकी कीमत, कुल कीमत उसकी आपने क्या बताई, 1 करोड़ समथिंग है? 1 करोड़ समथिंग उसकी कॉस्ट है, वहाँ पर जो आजकल रेट वहाँ पर चल रहा है फ्लैट्स के, प्रॉपर्टी बैंक 55 लाख में कम्प्लीट
डॉक्यूमेंट कंप्लीट क्या लीज के बात साथ, है, लीज। यस, चाबी देने देगी फ्लैट्स की। अच्छा, यस और अगर कोई बुकिंग करवाता है हमारे इस प्रोग्राम को देख के, तो यस, उसके लिए क्या डिस्काउंट होगा, उसके लिए और क्या कुछ, मजीद 5 लाख का डिस्काउंट हम करेंगे क्या बात, यानी कि 50 में उसको आप दे देंगे। फ्लैट। यस नाज़रीन कराम, रेहान भाई ने, आप क्या बोलूँ मैं, रेहान भाई को कौन लोग हैं यार, वो कहते हैं ना कि कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो पाकिस्तानी आवाम की बात करते हैं, जिनको पाकिस्तानी आवाम का दर्द है। सोशल एक्टिविटी में भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सफ़ेद पोश कई फैमिलीज ऐसी हैं कि जिनको रेहान भाई देख रहे हैं, हर महीने देखते हैं उनको, और जिसकी मिसाल मैं खुद हूँ, मैंने खुद जाके विजिट किया, जहाँ रमज़ानों की बात नहीं नाज़िक राम, हर महीने लोग तो रमज़ानों में ही राशन बांटते हैं, रेहान भाई की ये मेहनत और इनकी लगन जो इनकी फैमिली से, जो इनके माँ बाप से इनको मिली, कि वो हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी का ख्याल करते हैं, प्यार करते हैं, जो इनका लहजा ऐसे है, आप इनके ऑफिस जाइए आपको ये खड़े होकर मिलेंगे, ऐसे ही मिलेंगे, इनकी मोहब्बत, इनकी खुश इखलाकी इनकी तरक्की का सबब बन रहा है। नाज़िक राम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, छोटा सा वक्फा लेंगे और हमें ज्वाइन करेंगे, फिर निदा हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़िक राम, वक्फे से वापस आ चुके हैं, हमें ज्वाइन किया है बाख़बर पाकिस्तान की नुमाइंदा खसूसी हैं आप, निदा शेख। निदा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। निदा एक एक्टर हैं, मॉडल भी हैं, और शब बारात की खसूसी नशरियात में आप मुझे, निदा को और रेहान भाई को और उनकी मिसिस को देखेंगे। खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है। निदा, भाभी ने अभी अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि इनका जो प्रोजेक्ट है वो है फैशन डिज़ाइनिंग, ये उस पे इनको बड़ा अबूर हासिल है। क्या कुछ सवाल है, क्योंकि आप लेडीज़ हैं, होता है ना लेडीज़ हर किसी के साथ जब जाओ ना बात करने के लिए, लेडीज़ तो कहते हैं कि ख़वातीन बैठ गई तो अब 1 घंटा तो पार है, ऐसा है? ख़वातीन बिल्कुल बोलती ऐसे बहुत है, हैं। बिल्कुल है। नहीं, बोलती बहुत नहीं है, बेसिकली ये सेंस ऑफ ह्यूमर की बात होती है, क्योंकि आप जो वेयर करते हो वो आपकी पर्सनालिटी को बता रहा होता बोलती तो आप हैं ही है। नहीं, लेकिन अंदाज़ा लगा लिया हमने कि कम बोलती हैं औरतें। बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन है कि समटाइम जो ख़वातीन होती हैं कि कलर पैलेट आपके एज को लेके बहुत मैटर करता है, गर्ल्स को, गर्ल्स में, बॉयज़ के अंदर या लड़कियों के अंदर, अलग अलग एज के हिसाब से। तो जो टीन एजर गर्ल्स होती हैं और कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जो कि प्रोफेशनली अपनी फील्ड से वाबस्ता होती हैं, जो 25 क्रॉस कर चुकी होती हैं, तो उनके लिए कौन से कलर पैलेट्स ऐसे होते हैं जो कि अच्छे लगते हैं, प्रोफेशनलिज्म में भी वो सूट करें और एक ग्रेसफुल लुक आए? आजकल तो माशाल्लाह से एक तरह का ट्रेंड चल रहा है कि हर कलर कॉम्बिनेशन ही परफेक्ट चल रहा है। आप खुद देखें आजकल तो हर कलर इतना ज़्यादा खूबसूरत है, पैलेट्स कलर्स हैं बहुत ज़्यादा, पर्सनालिटी को जो है नुमाया करते हैं, और पैस्टल कलर्स हैं बहुत आजकल ट्रेंड में पैस्टल कलर। तो ये मैं तो कहती हूँ कि हर तरह का कलर पहनना चाहिए, हर कलर खूबसूरत है, हर कलर सब पे सूट करता है, और एक पता लग रही है वो आपकी मर्जी है कि आप उसको किस तरह से वे करती हैं, आप उसको किस तरह से कैरी करती हैं, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, खुद के ऊपर। अच्छा, मैंने आपके ड्रेसेस देखे हैं, तो उसके अंदर मैंने बहुत से आपके पार्टी वियर ड्रेसेस देखे हैं, तो समटाइम गर्ल्स को जो प्रॉब्लम आती है ना, तो वो ये आती है कि जो मटेरियल होता है वो आपकी बॉडी के ऊपर ना चुभ रहा होता है और रैश आ जाता है, इस तरीके की काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेके आपका क्या मतलब वो है, नज़रिया है, आप किस नज़रिए से देखते हैं इन सब देखिए चीज़ों को हम तो ये कहते हैं कि लेकर? जो आप फैब्रिक यूज़ करें वो A1 होना चाहिए, ठीक है। फैब्रिक जो बॉडी को भी किसी किस्म का स्क्रैच ना पड़े, बिल्कुल नरम मुलायम हो, तो हम तो बेहतरीन और बहुत ही लाइट फैब्रिक को यूज़ करते हैं, जो कि बॉडी पे बिल्कुल भी ना चुभता है ना लगता है और बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। अच्छा भाभी, के लॉन वगैरह के भी हैं, लिनन जी वगैरह के भी हैं, या सिर्फ ये सारे, मुझे तो नाम भी नहीं आता कि इनको क्या कहते नहीं, हैं? इनके मिक्स शिफोन, आइटम्स हैं नेट और शिफोन, हाँ लॉन, हर तरह का आइटम है। तो आप टोटल ब्रांडिंग जी लेके चल रही अलहमदुलिल्लाह। हैं? आपके जी ब्रांड का नाम क्या है? अदन। अच्छा, सेकंड ये था कि
आजकल न्यूड शेड्स वगैरह ज़्यादा चल रहे हैं, फिर सेकंड क्या आपने अक्सर ख़वातीन को देखा होगा कि वो सस्ता लेने के चक्कर में ख़राब कपड़ा लेके आ खराब जाती हैं, वो वन टाइम फिर यूज़ के अंदर बिल्कुल आता है। बिल्कुल तो मीन्स मेरा जो अपना पर्सनली मानना है कि भाई आप वो फैब्रिक यूज़ करें कि भले थोड़ा सा कॉस्टली हो मगर आपको कंफर्टेबल फील कराए। बिल्कुल और आपके वैसे जो ड्रेसेस की प्राइजेज हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और किस किस मतलब टाइप के आपके पास ड्रेसेस वराइटीज़ मौजूद हैं? हर तरह के प्राइस तो डिफरेंट डिफरेंट हैं, शिफॉन है, लॉन है, पार्टी वेयर है, डिफरेंट प्राइस है। एक प्राइस नहीं है, मैं अब आपको एक क्या प्राइस देता हूँ, स्टार्टिंग 12,000 से है। बस यही हाँ बात है नाजी ठीक कराम, कहते हैं कि खवातीन जब लग जाती है ना, हम दोनों देखे चुपचाप बैठे हैं, वो दोनों एक दूसरे से पूछने कि आपके कपड़े कौन से मॉडल है ना, वो उनको तो अपना फायदा चाहिए, इंशाल्लाह ब्रांडिंग आपसे ही करवाएंगे। रेहान भाई, हालात आपके सामने हैं और डिस्काउंट तो आपने दे दिया, लेकिन कल शब बारात तक आप नाजी कराम, अगर आप तक ये मैसेज नहीं गया तो एक दफ़ा फिर ये मैसेज मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ कि 19,60,000 की कम कीमत में आप अपने घर का मालिक बन सकते हैं। घर हासिल कीजिए, विजिट कीजिए, उसके बाद फैसला कीजिए। पहले देखिए कि कैसा घर है, 80 गज का तैयार घर आपको प्रॉपर्टी बैंक बना के दे रहे हैं 19,60,000, लेकिन कल तक आपको इसमें 3 लाख का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऐसे ही है रेहान भाई, बिल्कुल ऐसे ही, विजिट करने के लिए आपकी साइट पे विजिट करें पहले, वो वहाँ से आप उनको लेके जाएंगे। बिल्कुल और इससे कबल कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, रेहान भाई कल तो इंशाल्लाह हम आएंगे ही, एक बहुत बड़ी महफिल का इनेकाद किया है K21 न्यूज़ ने, जिसका नाम है शबे तोबा। शबे तोबा के हवाले से हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि परवरदिगार ने नामा अमाल चेंज करने हैं, हमने अपने मरहूमीन को याद करना है। मेरे वालिद साहब जो कि इस दुनिया में नहीं हैं, उनको अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे बड़े भाई वो इस दुनिया में नहीं हैं, उनको भी आपने अपनी दुआ में याद रखना है। और जितने लोग मुझ समेत जिनके मरहूमीन हैं, रेहान भाई के जितने मरहूमीन हैं, भाभी आपके, निदा आपके, और मेरे K21 न्यूज़ की टीम, कैमरामैन से लेकर प्रोड्यूसर, ऑडियो इंचार्ज, जो भी जिन जिनके मरहूमिन हैं, परवरदिगार उन सबकी मगफिरत करें। और ये अहद करके इबादत कीजिएगा कि जो 15 शबान के बाद दिन आएगा वो दिन ऐसा दिन हो कि किसी की दिलाजारी ना हो, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना दें, भाईचारगी रखें, मोहब्बत रखें, पड़ोसियों का ख्याल करें, अपने घर वालों का ख्याल करें, रिश्तेदारों का ख्याल करें। अगर तो बहू आई है तो उसे ये तायद करें कि माँ का ख्याल करें, क्योंकि बहू माँ की इज्जत तो करती है अपनी, लेकिन सास की इज्जत नहीं करती। और सास को भी चाहिए कि जिस तरह से अपनी बेटी का ख्याल रखती है उसी तरह से अपनी बहू का भी ख्याल रखे। तो इससे कबल कि मैं इख्तिताम की जानिब जाऊँ, रेहान भाई आखिरी एक मिनट है हमारा, मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज हमारे नाजिन को आप देना चाहें, यही जो मैंने आपसे बात जी की। बरार भाई, इरशाद बारी ताला है कि कुल्ले नफ्सिन जायकतुल मौत, बिल्कुल हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। बिल्कुल तो क्यों ना जितने भी मौत से पहले जो हमारे पास वक्त है, जितने बिल्डर हजरात हैं, जितने साहिब हैसियत हजरात हैं, वो इस पाकिस्तान, इस मुल्क कौम की तरक्की के लिए आगे आए और अपना हिस्सा डालें। और सेकंड में जो शोहर हजरात हैं उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि मेरे देखिए लिए भी, जी, आपके लिए और सबके लिए, हमारे और आप सबके लिए ये है शोहरों के कि लिए मैसेज हाँ है मैसेज ये है कि देखिए घर में आखिर में जीत तो बेगम साहिबा की ही होती है, ठीक। तो क्यों ना हम पहले ही हाथ खड़े करके इनकी जीत मान लें और जो टाइम बचे वो हम मुल्क कौम की खिदमत में लगाएं। यानी कि पहले बीवी की बात मान लें, बीवी जो कहे वो मान लें, वरना बीवी के पास तो मोबाइल है, फिर उससे आप बच नहीं सकते। और देखिए भले वजीर आजम मुल्क का कोई भी हो मगर घर का जो होम मिनिस्टर होता है जी वो वाइफ ही होती है, तो वाइफ मेरे की मोबाइल ज्यादा में सुननी तो जो नंबर सेव है चाहिए। ना वो भी होम मिनिस्टर के नाम से ही सेव। तो नाजिक नाम, ये तो खैर एक अलग गुफ्तगू हो जाएगी। भाभी आपको मैसेज देना चाहें शोहरों के लिए, बस बेबस ये लाचार शोहरों मैं के लिए। ये मैसेज दूंगी कि सब शौहर हजरात अपनी बीवियों का बहुत ख्याल रखें, बहुत प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहें, रिस्पेक्ट दें और रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जब तक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बाउंडिंग एज अ हस्बैंड वाइफ से पहले एज अ फ्रेंड होनी चाहिए, तो अगर आप दोस्तों की तरह रहेंगे तो जिंदगी बहुत आसान है। बस बड़ा अच्छा मैसेज भाभी ने दिया कि तमाम शोहर जो हैं वो बीवी की इज्जत करें, यानी कि सब कुछ शोहर ही करें, अगर आप ये नहीं करेंगे तो बीवी फिर आपके साथ क्या करेगी। अल्लाह वारिस निदा, बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। नाज़रीन इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।